एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन डिवा कंचन। आई एम कंचन एंड गाइस आई होप ऑल आर डूइंग वेरी वेल। गाइस आज की वीडियो में मैं अगेन एक रेडी टू वेयर साड़ी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। साड़ी एक पार्टी वेयर साड़ी है एंड ये वाली साड़ी टीखी इमली ब्रांड की है एंड ये मैंने परचेज की है फ्रॉम मिंत्रा से। तो गाइस इस साड़ी का मैं रिव्यू भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी एंड इसका ट्राई ऑन हॉल भी आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड गाइस इस साड़ी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। एंड गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है फैशन डिवा कंचन। मेरे इस वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एंड गाइज वीडियो पूरा देखिएगा स्टार्टिंग से एंड तक, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें आप मिस आउट कर देते हैं, चक्कर में स्किप कर करके देखते हो, फिर कुछ चीज़ों का आपको पता नहीं चलता है, फिर बाद में आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस दिखाती हूँ मैंने कौन सी साड़ी ली है मिंत्रा से। तो गाइस ये 1 मिनट रेडी टू वेयर साड़ी है। आप इसे मतलब इसे 1 मिनट रेडी टू वेयर साड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे पहनने में सिर्फ 1 ही मिनट लगता है, कुछ नहीं करना है। चलिए मैं दिखाती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। और इसे कैसे ड्रैप करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये कुछ इस तरीके से मजेंटा शेड में है, तीखी इमली ब्रांड की है, ये देखिए। आई थिंक काफ़ी लोगों ने इस साड़ी को मिंत्रा पे देखा होगा, बट ऐसी साड़ियों को देख के हम लोग यही सोचते हैं पता नहीं कैसी आएंगी यार, ये देखने में इतनी बढ़िया लग रही है, पता नहीं हमारे हाथ में आएंगी तो कैसी लगेंगी, क्या होगा। तो मैंने सोचा चलिए कुछ थोड़ा सा डिफरेंट साड़ी मैं परचेज़ करती हूँ और आप लोगों के साथ में इसके ऊपर जो वीडियो है वो आप लोग को दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ। तो ये है वो साड़ी मजेंटा एंड गोल्डन कलर में, ये देखिए। तो गाइज इसमें जो आप देख रहे हो ये जो ऊपर ये जो कपड़ा है ना, ये सैटन का कपड़ा है एंड इसमें नीचे पूरी फ्रिल लगी हुई है, ये देखिए कुछ इस तरीके से फ्रिल है। और ये सारी फ्रिल नेट में है, नेट की है, काफ़ी फाइन वाला नेट है, सॉफ्ट वाला, तो नेट अच्छा है इसका। एंड बैक साइड में आपको इस तरीके से लाइनिंग लगी हुई मिल जाएगी, सैटन की ही लाइनिंग लगी हुई है। फ्रंट साइड में आपको ऊपर की देखिए साइड में यहाँ पे बेल्ट मिल जाएगी और ब्लाउज इसके साथ में आपको इस तरीके से अंदर की साइड में अटैच मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ब्लाउज पीच कुछ इस तरीके से अटैच कर रखा है। ये इसका ब्लाउज है, ब्लाउज में भी इस तरीके से आपको ये वाला डिज़ाइन ये पैटर्न मिल जाएगा जो कि साड़ी में है, वैसे ही यहाँ पर भी मिल जाएगा। ये इसका ब्लाउज पीस है, जो इसका ब्लाउज का जो कपड़ा है ना वो जॉर्जेट में है, ये सारा जॉर्जेट का है। एंड गाइज इस तरीके की जो साड़ियाँ होती हैं उनमें जो साइज होता है एक ही आता है और इसमें एडजस्टेबल करने के लिए हुक्स दिए होते हैं, आप उसके थ्रू अपने जो भी वेस्ट साइज है उसको एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। देखिए ये देखिए यहाँ पे ये हुक दिए हुए हैं 1 2 3 4, तो इसके हिसाब से आप अपनी वेस्ट लाइन को एडजस्ट कर सकते हो। और इसमें अंदर साइड में भी यहाँ पे हुक दिए हुए हैं, ये देखिए। तो ये सभी हुक्स कुछ यहाँ पे ऐसे लग जाएंगे और ये ऐसे ऐसे आ जाएगी, ठीक है, ये इसकी ऐसे ये हो जाएगी। एंड इसका जो पल्लू है वो इसी में यहाँ पे देखिए अटैच है, इसका पल्ला देखिए यहाँ से, ये देखिए इसकी प्लीट्स बनी हुई है इस तरीके से, यहाँ पे स्टिचिंग हो रखी है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली डाल लेना है अपने शोल्डर पे। और ये नीचे यहाँ पे भी ये वो सेम पैटर्न दिया हुआ है, इस पर जितना भी वर्क है टोटली गोल्डन कलर का है और ये गोल्डन बहुत चक्की वाला गोल्डन नहीं कह सकते हैं, मतलब अच्छा है। एंड ये जो लेस है ये स्टिच की हुई है एंड इसमें ये जो लगे हुए हैं बड़े बड़े सिक्वेंस टाइप के हैं, इस पर भी एक फ्लावर बना हुआ है, अच्छा डिज़ाइन है। एंड गाइज ये जो उसका पल्ला है ये सैटन के ही कपड़े का है, 3449 इसका प्राइस पड़ा हुआ है इसके टैग पे, बट मुझे मिंत्रा सेल से ये वाली जो साड़ी है 1965 रुपीज़ की पड़ी थी, तो मुझे ठीक लगी। बट गाइज ये पार्टी वेयर तो है, आप इसे किसी भी पार्टी में या फिर किसी भी फेस्टिवल पे भी कैरी कर सकते हो, लाइक करवा चौथ हो गया, तीज हो गया या फिर दिवाली वगैरह पर भी आप इस साड़ी को कैरी कर सकते हो। पहनने में बहुत ईजी होती हैं और इसके पहन के मतलब चलना वॉक करना सब कुछ थोड़ा सा इजी है। तो ओवरऑल मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी अकॉर्डिंग ऑन दिस प्राइस एंड ब्रांड भी अच्छा है तीखी इमली। गाइस तीखी इमली की जितनी भी साड़ियाँ होती हैं वो सभी मतलब थोड़ा सा कुछ डिफरेंट लुक में होती हैं, तो थोड़ा सा उनका अपना एक यूनिक पैटर्न रहता है हर साड़ी में, यूनिक स्टाइल देते हैं वो, तो इसलिए मुझे तीखी इमली ब्रांड की साड़ियाँ अच्छी लगती हैं। बात करें अगर हम इस साड़ी की तो ये साड़ी भी एकदम यूनिक स्टाइल है इसका अपना, तो
अगर आप कुछ यूनिक या कुछ थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं, आपकी एनिवर्सरी है या आपके घर में किसी अपने बच्चे का बर्थडे है, इस तरीके के जो फंक्शंस होते हैं उसमें इस तरीके की ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत सुंदर लगती है साड़ी पहनने के बाद। तो मैंने इसको कैसे स्टाइल किया है चलिए वो देख लेते हैं और इसका ट्राई ऑन मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। बट गाइस उससे पहले आप मेरे इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर दीजिएगा और जितना भी जो कुछ लिंक है सब मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और चलिए मिलती हूँ आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय।